हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीरज शर्मा फ्रॉम मेटाजोन इन्फोटेक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर जावा ट्रेनिंग। और आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं मेटाजोन की इस वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मेरा नाम नीरज शर्मा है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी ओर से मैं बेस्ट दे पाऊं इस पूरी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग सेशन मैं उन लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि जो डरते हैं प्रोग्रामिंग से, जिनको फियर है प्रोग्रामिंग से, या फिर प्रोग्रामिंग आती तो है लेकिन उस लेवल की नहीं कर पाते जो होनी चाहिए। तो मैंने ये जो ट्रेनिंग प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट की है और फिर हम धीरे धीरे से एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। और आप के सामने मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट कर सकता हूं कि जैसे ही ये ट्रेनिंग फिनिश होगी, आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, एक बदलाव देखेंगे। बट आपसे मुझे जो कमिटमेंट चाहिए वो चाहिए रेगुलरिटी, जो कि आप कंटिन्यू इस ट्रेनिंग को करेंगे। क्योंकि अगर आज आपने ट्रेनिंग की 10 दिन बाद करेंगे तो शायद ये आपको इतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। तो बाकी का सेशन उन लोगों के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा जिनका हार्ट टाइट है, और उन लोगों के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा जिन्हें आती तो है बट सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाते। ये नहीं पता लगता कि यह सॉफ्टवेयर कैसे किस तरीके से डेवलप किया जाए। तो इसमें जो दी गई एक्सरसाइजेज हैं, अगर वह प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले से और अब में ट्रेनिंग सेशन फिनिश होने के बाद तक आपके अंदर काफी चेंज आप फील करेंगे। सो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू यू पीपल एंड आई होप यू विल ट्राई टू गेट माई बेस्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं कोर जावा की। और मोस्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट विद ए क्वेश्चन, और मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज जावा। आप बताइए मुझे कि जावा होती क्या है। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलेंगे क्या होती है जावा। ओके, चलिए ठीक है। मैं व्हाट इज जावा, तो कुछ पॉइंट्स मुझे पता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट इज जावा। तो क्वेश्चन मेरा था व्हाट इज जावा। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पॉइंट जो मोस्ट ऑफ द पीपल मुझे देते हैं आंसर, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा व्हाट इज जावा, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड जावा इज इजी टू लर्न। तो अगर इस पूरे को कंक्लूड करके डेफिनेशन बनाई जाए तो जावा की जो डेफिनेशन बनेगी वो आप कह सकते हैं जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रोबस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इजी टू लर्न एंड वन मोर पॉइंट मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अब आगे के सेशन में हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे कि प्रोग्रामिंग है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि हम बिल्कुल बेस से चलेंगे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। और पहला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने कवर करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला था दैट जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए अंडरस्टैंड करते हैं, लेट्स ब्रेक इट इन टू पार्ट्स, वन इज प्रोग्राम एंड अदर इज लैंग्वेज। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द लैंग्वेज। सो माई अगेन क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट इज लैंग्वेज। सॉरी, थोड़ा आप तेज बोलिए, देखिए वरना मुझे सुनाई नहीं देगा।
व्हाट इज लैंग्वेज? ओके ठीक है, एक बार मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं. लैंग्वेज इज ए मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम बातचीत कर पाते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिस गाय इज फ्रॉम चाइना. अच्छा बना है, चलिए. दिस गाय इज फ्रॉम इंडिया और ये आपस में बातचीत करना चाहते हैं. दे वॉन्ट्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. हाउ दे कैन इंटरेक्ट? कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस लाइक या तो इसे चाइनीज आती हो या फिर इस पर्सन को इसकी लैंग्वेज आती हो या फिर कोई इंटरमीडिएटर हो जो दोनों की बात को समझा दे एक दूसरे को या फिर कोई कॉमन लैंग्वेज दोनों को आती हो जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, जिसके थ्रू वो दोनों आपस में बातचीत कर पाए लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो यानी कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए जिसके थ्रू हम बातचीत कर पाते हैं. तो यहां पर हमें समझ में आया लैंग्वेज इज ए मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, जिस चीज के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. अब हम सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं कि प्रोग्राम क्या है. तो आप मुझे बताएंगे प्रोग्राम है क्या? देखिए आपको आंसर जरूर करना है वरना मुझे पता नहीं लगेगा. हाँ, व्हाट इज प्रोग्राम? ओके, तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम इज इंस्ट्रक्शंस. इट्स अ इंस्ट्रक्शंस, या अगर इसे मैं और क्लियर वे में बोलूं तो इट्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. या किसी और तरीके से डिफाइन करूं तो मैं इसे कहूंगा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. ये हुई हमारी प्रोग्राम की डेफिनेशन कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इज द प्रोग्राम. आप मुझे बताइए कि आपने कभी इंस्ट्रक्शन दी है किसी को? पक्का दी होगी. कई बार अपने फ्रेंड्स को देते हैं, कई बार अपने छोटे भाई बहन को देते हैं, या किसी भी पर्सन को आपने इंस्ट्रक्शन जरूर दी होगी. तो आप कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? मान लीजिए आप यहां पर हैं हमारे साथ मेटाजोन के अंदर और आपको किसी बुक शॉप से कोई नोटबुक मंगानी है. आप कैसे बताएंगे? आप उसे प्रॉपर गाइडलाइन दोगे? अगर वो पर्सन नया है, उसे नहीं पता, तो आप कैसे भेजेंगे उसे? आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि भाई आप यहां से बाहर जाओ, फिर राइट टर्न लो, फिर एक रोड आएगी, वहां से लेफ्ट लेना है, फिर सीधे जाना है और टी पॉइंट आएगा, टी पॉइंट से राइट, और जो फर्स्ट स्ट्रीट है उसी के अंदर जो तीसरी शॉप है वहां से आपको ये पर्टिकुलर थिंग लेकर के आनी है. अगर आपने सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसे बताया और उसने प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो कर लिया तो वहां पहुंच जाएगा. यस और नो? ऑफ कोर्स यस, पहुंच जाएगा. और उसने वो सामान लिया, अगर सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वो आएगा तो आप तक वापस भी आ जाएगा, राइट? तो इंस्ट्रक्शन यानी स्टेप बाय स्टेप कुछ काम करने को आप जब हम बताते हैं दैट इज द इंस्ट्रक्शन एंड सेम थिंग इज द प्रोग्राम. अब मुझे बताइए, आपको लैंग्वेज भी क्लियर हो गया, आपको यह भी क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग क्या है, इट्स द इंस्ट्रक्शन एक्चुअली. लेकिन यहां पर हम इंस्ट्रक्शन देंगे किसे? किस चीज को हम इंस्ट्रक्शन देने की बात कर रहे हैं? हम इंस्ट्रक्शन देंगे किसे? मशीन को, कंप्यूटर को. वी आर द ह्यूमन बीइंग और हम किससे इंटरेक्ट करना चाहते हैं? हम मशीन से इंटरेक्ट करना चाहते हैं. तो ये सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो नहीं हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि एक चाइनीज पर्सन से इंटरेक्ट करना. यहां पर ये आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, मशीन आपकी लैंग्वेज समझती है क्या? वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझती है और हम इस मशीन की लैंग्वेज नहीं समझते. तो हमें यहां पर कुछ ऐसा चाहिए, कॉमन चाहिए, जो आपकी बात को मशीन को समझा दे और मशीन की लैंग्वेज को आपको समझा दे. तो इसी तरीके से यहां पर एक कुछ लैंग्वेजेस डेवलप कर दी गई जिसे मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है और हम उसे सीख लेते हैं, राइट? और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कुछ के नाम बताएंगे आप मुझे? हाँ हाँ बताइए, राइट? जैसे कि सी,
C++, Java. In our case, it is Java. Clear? तो हम वही लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम मशीन से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उसे इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे. राइट? आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर दैट जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.